2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऐसी कौन सी गलतियां हुई हैं कि ओवरसीज की सपोर्ट जो है वो हम देखते हैं कि पीटीआई के साथ रही? इमरान खान को मैं ये मशवरा दूंगा कि बिल्कुल भी पॉपुलर लीडर नहीं। रूमर्स भी चल रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तीन ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है। पीटीआई ने एक बिल पास किया, फिर उसके बाद बिल तो पास हुआ लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा सलाम और आप देख रहे हैं द स्पॉटलाइट। आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद हुसैन तूरी साहब। आप हैं वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा, आप एक्स फेडरल मिनिस्टर ओवरसीज पाकिस्तान भी रहे हैं, आप हैं आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन भी रह चुके हैं, आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन भी रह चुके हैं। आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू सो मच। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्योंकि अभी चूंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऐसी कौन सी गलतियां हुई हैं कि ओवरसीज की सपोर्ट जो है वो हम देखते हैं कि पीटीआई के साथ रही है? इस तरह है ना कि खैर इसको तो गलती नहीं कह सकते, मेन चीज़ है ना कि अगर आप देखें 2008 से 13 तक जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो उसको उस टाइम पे ओवरसीज को काफ़ी सपोर्ट मिला, फिर उसके बाद जो है ना पीपल्स पार्टी अगर आप देखिए तो सिंध के अलावा पीपल्स पार्टी का या जुनूबी पंजाब के अलावा कोई ख़ास वो मतलब पोजीशन नहीं आया। तो फिर उसके बाद हमें जब मौका मिला 15-16 महीनों का, तो उसमें हमने जो पिछले 3.5 साल का जो पीटीआई का जो दौर था, पीटीआई सिर्फ मतलब एक वफाक में नहीं थी, केपी में भी थी और पंजाब में भी वो अपना वो उनकी हुकूमत थी। तो उसमें जब बिल्कुल ये 100% बिल्कुल भी सही बात है कि ओवरसीज जितनी भी है उसमें अक्सरियत जो है ना पीटीआई को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन वो 3.5 साल में पीटीआई वालों ने तो कुछ भी ओवरसीज़ के लिए नहीं किया। जब हम आ गए तो उसमें हमने बाकायदा अपने लिए टारगेट रखा और टारगेट में मतलब है कि पहली मतलब कोई एक महीने के अंदर अंदर 27,000 पासपोर्ट ब्लॉक थे, हमने वो बाकायदा कैबिनेट के ज़रिए वो ब्लॉक पासपोर्ट मतलब वो बंद कर दिए, और उसके अलावा जो है ना उनकी जो ज़मीनें पे ज़मीनों पे कब्ज़े होते थे या उनके लिए जो डिजिटल NOC वगैरह जो थे या इसी तरह मतलब है कि जितनी भी पूरी दुनिया में हमारी जो कंट्री टू कंट्री मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स होते थे, तो हमने 15 एग्रीमेंट्स किए थे और 11 MOU पे हमने साइन किया था, और इसी तरह तकरीबन 13,27,000 से ज़्यादा लोग एक साल में हमने बाहर मुल्कों में भेजे थे। और ओवरसीज़ की मतलब है कि पहले ये था कि 90 लाख, तो हमारे मतलब एक साल में वो करोड़ से ऊपर चले गए। रेमिटेंस जो है ना उस टाइम पे एक साल में कम से कम 4 अरब डॉलर उसमें इजाफा हुआ था। बाकी तो सियासी बातें हैं, एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, ये अफगान है अफगान है। सर पीटीआई ने कोशिश तो की कि ओवरसीज़ को जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करें, और जो कि नहीं करने दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि देखें एक तरह से वो रेमिटेंस भी भेजते हैं और वो पाकिस्तान की तरक्की में कुछ ना कुछ उनका हाथ ज़रूर भी होता है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या उनको इलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी क्या राय है? एक इस तरह ना कि उस टाइम पर जो पीटीआई ने एक बिल पास किया कि ओवरसीज़ को हम मतलब वोट का हक दें, तो फिर उसके बाद बिल तो पास हुआ लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और दूसरी बात है ना कि ओवरसीज़ को तो ऑलरेडी बाकायदा मतलब है कि वोट का हक मिल चुका है, वो एम्बेसी में भी जा सकते हैं, वहाँ से वो वहाँ पर वोट डाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास ये बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा सिस्टम है मतलब है कि या जो प्रोसीजर है वो मुश्किल है, बिल्कुल भी ओवरसीज़ को देना चाहिए, हमारे पाकिस्तानी हैं यहाँ से मतलब मुख्तलिफ कंट्री में अपने मतलब रोज़गार के लिए गए हैं और मुल्क के लिए मतलब ज़र मुबादला भेज रहे हैं, तो ओवरसीज़ पर खास फोकस करना चाहिए, लेकिन ओवरसीज़ के सिर्फ वोट का मसला नहीं, ओवरसीज़ के बहुत सारे मसले, ओवरसीज़ की जायदादों पर बहुत ज़्यादा अपने रिश्तेदार उसमें फर्स्ट नंबर पर है, बहुत सारों ने कब्जे किया है ओवरसीज़ को, मतलब अगर ओवरसीज़ अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेचारे इधर आके फारूज अजीर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी मतलब के टाउनशिप बन रहे हैं उसमें उस बाकायदा नाम देते ओवरसीज़ ब्लॉक,
नाम तो ओवरसीज ब्लॉक होते हैं लेकिन उसमें ओवरसीज का बिल्कुल भी मतलब है कि उस तरह उनको वो प्रायोरिटी नहीं देते या वो प्रोटोकॉल उनको नहीं मिलते जिस तरह आप मिलना चाहिए। तो इसमें ये नहीं है कि ठीक है हुकूमत तो आती जाती है लेकिन जनरली हमें मतलब है कि ओवरसीज के मसले मसाइल पर फोकस करना चाहिए ताकि उनके लिए मसले मसाइल ना हो। और जो मैंने देखे हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग मतलब उन्होंने काफ़ी मुल्क के लिए और अपनी फैमिलीज के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं लेकिन हमने उनको कुछ भी नहीं। राइट सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केपी में फेल क्यों होगी? मेन चीज़ ये ना कि पीपल्स पार्टी पहले केपी में माशाल्लाह बहुत सही पोजीशन पे थी, बदकिस्मती से 2013 इलेक्शन में वहाँ से मतलब है कि हमारा पोजीशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसमें एक चीज़ ये था कि 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था या पीपल्स पार्टी की जो वोटर्स थे या पंजाब में थे या केपी में थे उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि जिस तरह आप खुद मतलब है कि मीडिया पे आपने सुना होगा 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने जितनी भी डेवलपमेंट काम किया है या जितनी भी बड़ी बड़ी 18 अमेंडमेंट आप देखे या इसी तरह मतलब NFC वार्ड वाले जितनी भी मतलब मीटिंग्स वगैरह, लेकिन उसमें मेन रोल जो था उस टाइम पे पाकिस्तान PMLN का भी था और उसमें जो है ना इस्टेब्लिशमेंट का अहम रोल था कि वो सारे मतलब कि अगर पीपल्स पार्टी पंजाब और केपी में नाकाम हुई तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा। बिल्कुल ठीक सर, हमने भी रिसेंटली ये रूमर्स भी चल रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इन रूमर्स में कितनी सदाकत है? मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ इस तरह कोई वो नहीं है कि हमारी जो लीडरशिप आप डिनाई कर रहे हैं। नहीं मेन चीज़ है ना कि हकीकत है पीपल्स पार्टी में इस तरह कोई मतलब लॉबी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब है कि प्रेसिडेंट जरदारी और बिलावल भुट्टो उनका जो भी फैसला होता है सब उसके लिए मतलब है कि लबैक भी करते हैं और इसी तरह अभी तक हमने इतना देखा है ना सुना है। सही ठीक है मीडिया में मतलब इस तरह की बातें होते रहेंगे लेकिन इस तरह कुछ नहीं कुछ नहीं है। नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि पहले जिस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो से जरदारी और फिर अब जरदारी से तालपुर को ट्रांसफर होती हुई आपको नजर नहीं आ रही? मेन चीज़ें ना अगर देखा जाए तो मतलब कि भुट्टो शहीद जिस वक्त मतलब उस शहीद कर दिए गए और उसके बाद आप खुद देखे बहुत बड़ा लॉस था पीपल्स पार्टी के लिए। फिर उसके बाद बीबी आ गई तो बीबी तकरीबन 10 साल तो उन्होंने बाहर मुल्कों में गुजारे मतलब मुल्क से बाहर चली गई। फिर उसके बाद जब वापस आ गई तो उन्होंने जिस तरीके से डिलीवर किया है आप सबके सामने, फिर आप खुद सोचे 2007 में जब बीबी शहीद हो गई तो एक और बड़ा लॉस हो गया। और इसी तरह अगर आप देखें तो जरदारी साहब ने जिस तरह पीपल्स पार्टी को चलाया और जिस तरह रखा एक अमानत के तौर पे, तो मेरे ख्याल में अगर जरदारी साहब की जगह कोई और होता तो इस तरह नहीं चला सकता। तो अभी जो मतलब कि जरदारी साहब या बिलावल मतलब जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, बिलावल अभी काफ़ी मेच्योर हो चुका है तो इस तरह इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मेन चीज़ है ना ठीक है जरदारी साहब ने अभी मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह तो अभी तक कुछ है नहीं लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो रहेंगे और इंशाल्लाह ये चलाएंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब क्या अभी जो मौजूदा मुल्की जो सियासी सूरत हाल है, ये जो इलेक्शंस भी अभी हमने देखे रिग्ड इलेक्शंस, तो क्या उनसे वो मुतमईन हैं या वो खुश हैं उनसे? मेन चीज़ है ना कि जिस तरह टाइम टू टाइम वक्त वक्त की बातें हैं लेकिन बिलावल ने जिस तरह मेहनत की उस टाइम पे अगर आपने खुद भी नोट किया होगा कि उन्होंने केपी में काफ़ी मतलब कि जलसे वगैरह किए हैं लेकिन एक चीज़ है कि जलसे टाइम मिले। अगर कोई 8 महीने साल पहले शुरू करते तो उसका रिजल्ट मुख्तलिफ हो। और इसी तरह पंजाब में सिंध में तो माशाल्लाह आपने खुद भी देखा होगा कि सिंध में हमारी पार्टी का पोजीशन पहले भी बहुत अच्छा लेकिन उसे काफ़ी बेहतर हो चुका है। और इसी तरह बलूचिस्तान में तो अभी भी मतलब कि अगर हमारे चेयरमैन साहब ने मतलब है कि कोशिश भी करना होगा उसको मेहनत करनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है।
सर आपको बिलावल भुट्टो अभी, क्योंकि वो एक यंग जो है वो पॉलिटिशियन है, तो आप क्या समझते हैं कि वो क्या ऐसे नए फ्यूचर प्लान्स लेके आएंगे जिसमें वो यूथ को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, या किस कौन से ऐसे वो नए रिफॉर्म्स लेके आएंगे जिससे पाकिस्तान के लिए बेहतरी की कोशिश हो जिसमें? मेन चीज़ है ना कि बिल्कुल अगर देखा जाए तो 65% यूथ हैं पाकिस्तान में। अगर उनके लिए आप रोज़गार नहीं देंगे, उनके लिए कोई मतलब है कि फ्यूचर प्लानिंग वगैरह ना हो, तो जाहिर बात है कि फिर तो मस्ते मसाइल बनेंगे मुल्क में। तो उसके लिए आपने ख़ुद भी देखा होगा कि बिलावल ख़ुद भी यंग है और उन्होंने यूथ भी काफ़ी तवज्जो दी है, उसके लिए यूथ के लिए काफ़ी प्रोग्राम वगैरह, और उन्होंने अपनी कंपेन में भी यूथ को काफ़ी मतलब सपोर्ट भी दिया है और यूथ पे काफ़ी फोकस भी किया है। और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हमारे जितनी भी अगर आप देखें पुरानी पीपल्स पार्टी की जितनी भी मंसूबे थे वो माशाल्लाह सही तरीके से चल रहे हैं, लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर हेल्थ के हवाले से आप देखें तो सिंध में आप देखें हम की पिके से लोग बेचते हैं, हम यहाँ से अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर ट्रांसप्लांट है या हार्ट सर्जरी है तो वहाँ भी मतलब मुफ्त होता है। तो उस सिलसिले में हेल्थ में काफ़ी काम किया, इसी तरह यूथ में काफ़ी काम किया, इसी तरह बहुत सारे हर मतलब कि फील्ड में हमारा जो मंशूर है उसके मुताबिक हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे और चेयरमैन साहब का जो विजन है इंशाल्लाह हम उसको कामयाब करेंगे। राइट सर, आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन भी रह चुके हैं, तो मेरा आपसे सवाल सवाले से ये है कि हमारी जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो मुल्क की तरक्की में, देखें इकॉनमी में इंडस्ट्रीज़ का और प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, तो हम उस तरह से क्यों नहीं एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट कर पा रहे, या इससे हमारी इकॉनमी क्यों नहीं बेहतर हो रही? आपको क्या लगता है कि क्या फ्लॉज हैं? मेन चीज़ है ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है एनर्जी क्राइसिस। राइट, एक तो है ना कि अगर आप इंडस्ट्री देख के जितने भी हमारे इंडस्ट्री के ओनर है उसके लिए हम वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सके जिस तरह हमें देना चाहिए। अगर आप देखिए प्लानिंग प्लानिंग हमारे पास है नहीं, कभी कहते हैं कि हमारे पास 30,000 से ज़्यादा मेगावाट बिजली, जब हकीकत आ जाती है तो मतलब 15,000। और दूसरी बात यह है कि अगर इंडस्ट्री आप देखें तो पूरी पाकिस्तान में चारों सूबों में इंडस्ट्री जितनी भी जोन है काफ़ी बंद हो चुके हैं, फिर भी सारे मतलब इन्होंने कोई कभी गैस पे कन्वर्ट किया, कभी सोलराइजेशन पे, कभी क्या कभी किया, लेकिन ये हकीकत है कि जितनी भी मतलब है कि इंडस्ट्री को बहुत मतलब कि कुछ अर्से काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा है। ठीक है, हुकूमत ने कोशिश की है कि जिस तरीके से भी है ना हम इस क्राइसिस को कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल होता नहीं। तो इस सिलसिले में बिल्कुल भी हम तो उस टाइम पे पोजीशन भी थे, हमने काफ़ी फोकस किया है कि इंडस्ट्री को हम सपोर्ट भी दे दें और उनको फैसिलिटीज़ भी दे दें ताकि ये बिजली वाला एनर्जी क्राइसिस है और मसले मसाले वो ख़त्म हो जाए। तो सर 25 करोड़ आवाम को जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो वो कैसे तरक्की करेंगे? 25 करोड़ आवाम को आप कैसे प्रोग्रेस की तरफ लेके जाओगे जब आपके पास इंडस्ट्री नहीं है और एनर्जी का क्राइसिस तो हम पता नहीं डेकेड्स हो गए हैं, अब हमारा हल नहीं हो रहा। ये हकीकत है, मेन चीज़ है ना कि अभी एनर्जी क्राइसिस के अलावा टैक्स कितने लगते हैं, इनको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? हाँ, तो उसका, क्या है? उसका एक तो है ना कि मिलजुल के मतलब कि उसमें ये नहीं होना चाहिए ये हुकूमत है ये अपोजिशन है, तो मिलजुल के मतलब नेशनल इंटरेस्ट के लिए बैठना चाहिए और कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो जाहिर बात है कि हम अभी कुछ चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, वो इस वजह से अगर उस ज़माने में हमारे पास प्लानिंग था तो तरबेला डैम बनना, मंगला डैम बनना और इसी तरह मतलब अगर कलबार डैम जो है ना सियासी उसके नज़र हो गया तो फिर उसके बाद छोटे छोटे डैम तो बने हैं लेकिन कोई मतलब है कि इस तरह डैम आज तक हमने नहीं देखा दोबारा कि उसे कोई 5,000 या 10,000 मेगावाट बिजली बन सके, या इसी तरह मतलब इंडस्ट्री भी हमने कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं दी, इस वजह से हमारे जितने भी इंडस्ट्री ओनर जो है ना बाहर मुल्कों में चले गए। अभी आप खुद देखे टेक्सटाइल वाले और इसी तरह हमारे जो ये ऑटोमोबाइल वाले जो है ना अभी आप बाहर मुल्कों में आप देखिए गाड़ी की क्या रेट चल रहे हैं, पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं, तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए और बहसीत कौम और बहसीत पाकिस्तान। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फ्यूचर प्लानिंग है,
और इसलिए कि प्लानिंग है नहीं, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तकरीबन एक साल में जो है ना 3.8 मिलियन जो है ना उसमें इजाफा हो रहा इजाफा हो रहा है। तो खुद सोचिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप 65% यूथ को काम रोजगार इंगेज नहीं करेंगे तो फिर तो इंकलाब आएगा, बेरोजगारी का इंकलाब आएगा। तो सर अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नालायकी कहूँ इसको, ये किसके जिम्मे पड़ती है? या आवाम के जिम्मे है कि वो इस तरह के लीडर्स इलेक्ट करते हैं, या हमारे पास इतने काबिल लोग नहीं है कि जो पॉलिसी मेकिंग कर सकें? मेन चीज़ है ना कि सिस्टम की नाकामी है। बाकी अगर आप देखें ना तो यही लोग जो है ना, आप मैं यूथ, यही लोग मतलब है कि हमारे सिस्टम में इन होते हैं और फिर मतलब इन्हीं लोगों को अपने सिस्टम को ऊपर लाना होता है, या वो इंटरनेशनली जो मुकाबला है, कंपटीशन है, उसके मुकाबले में। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे अगर आप देखें, अगर कोई सेक्रेटरीट का मुलाजिम है तो नीचे से ऊपर तक माफिया बन जाते हैं। जब तक ये माफिया सिस्टम ख़त्म ना हो, मुख्तलिफ माफिया हैं, तब तक तरक्की नहीं हो सकती। और फिर अगर ये हमारे या इंजीनियर देखें या आईटी वाले देखें या और फील्ड में लोग देखें, ये बाहर मुल्क में चले जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह काम करते हैं कि बंदे हैरान रह जाते। यहाँ पे उन्हें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं, एनवायरनमेंट है यहाँ पे, पता नहीं कि हमारे लोगों का मिजाज कुछ तरह इस तरह बन जाता है, कमीशनों पे लग जाते हैं। अगर बजट पास होता है फॉर एग्जांपल 1 अरब का, तो उसमें कम से कम 50 अरब रुपए कमीशन में चले जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है ना कमीशन वाला, इसको ख़त्म करना चाहिए। और बाकी मैं तो इतना एक्सपीरियंस प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक दूसरे से तो सुनते आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पे जो है ना टेक्निकल लोगों को, स्किल्ड लोगों को, मतलब है कि इंजीनियर्स को, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को हायर करने चाहिए ताकि ये मसले मसाइल खत्म, एक दफ़ा इस पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि सिलसिला चल पाए। तो सर आपको क्या लगता है कि ये सिस्टमेटिक जो हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ये कौन करेगा? ये तो ज़ाहरी बात है पार्लियामेंट करेगी, इस तरह का सिस्टम बन चुका है, पार्लियामेंट करेगी। लेकिन पार्लियामेंट में अगर आप देखें तो कुछ अरसे से अगर हमारा आईन है तो उसका भी वायलेशन हो रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रहा है। और बाकी तो अगर कानून देखें, हर हर मतलब कि फील्ड का, हर सिस्टम का जो भी है, सारी चीज़ों का कानून बना हुआ है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, मैं अपनी सोच से कर रहा हूँ, आप अपनी सोच से कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्हें ज़रूरी है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक दफ़ा फैसला करना हो। और ये रिफॉर्म ज़रूरी भी है। कुछ चीज़ इस तरह है कि हमारे लॉज जो है ना, अगर उसमें हम अमेंडमेंट ना करें तो भी बड़े ख़तरनाक हैं, आपको मतलब काम करने नहीं देते, कहते फलाना लॉज में, फलाना लॉज में। तो हमें इस तरह रिफॉर्म्स करना चाहिए, इस तरह लॉज बनाना चाहिए ताकि उसमें हम आगे जा सकें, फैसिलिटेशन हो, बिल्कुल फैसिलिटेशन हो। अगर इस तरह जो पास्ट में हुआ है तो फिर मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पार्टीज को अब मिलजुल के, जिस तरह आपने कहा कि काम करना चाहिए, तो क्या वो रेडी हैं एक पेज पर बैठने के लिए कि अब 75 साल हो गए, अब पाकिस्तान को निकालना है मुश्किलों से? कुछ चीज़ इस तरह है ना कि मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ किस्म का वो मतलब हमारे सामने आ गया है सियासत। अगर आप 2008 से 2013 तक देखें, पीपल्स पार्टी का दौर था, आपने खुद भी देखा होगा, उसमें कभी किसी ने कोई गिला नहीं किया, हर सेक्टर में काम भी हो रहे थे, सही भी हो रहे थे। फिर 2013 से जो है ना 18 तक जो था सिस्टम PMLN के पास था, तो PMLN जो है ना वो ठीक है, बात चीज़ों को बड़ी मतलब सीरियस तरीके से देखते हैं, लेकिन बात चीज़ों उनकी कोशिश भी होती है कि सारा कंट्रोल हमारे पास रखना हो, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या मिनिस्टर हो, जो भी हो। फिर उसके बाद 18 के बाद PTI बीच में आ गई, तो PTI आपने खुद देखा होगा कि PTI के दौर में उनके पास फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले मतलब खुद इमरान खान कहते थे कि असद उमर इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे,
तो असद उमर ने जिस तरीके से मतलब डॉलर उन्हीं दिनों में मतलब 305 205 चलते चलते आसमान तक पहुंच गए। तो मैं इन चीज़ें ना कि प्लानिंग हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद जिस तरह 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, 13 की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई इस तरह कानून लॉज वगैरह जो चीज़ भी मतलब असम्बली में मतलब पार्लियामेंट में पेश करने होते थे, तो उसके लिए बाकायदा कमेटी होती थी। कमेटी के अलावा जितनी भी मतलब है कि पार्टियों के लीडर थे, मतलब लीडरशिप थी, तो पार्लियामेंट लीडर्स को बुला लेते, उनके साथ मशवरा होता था, उनको इतमाद में लेते, फिर आगे चल सकते। लेकिन 18 के बाद 3.5 साल ये चीज़ हमने नहीं की। उसमें बस सिर्फ एक ही चीज़ थी, फलाना चोर फलाना चोर फलाना चोर, 3.5 साल उनके लिए कसर गए। तो फ्यूचर प्लानिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने पहले कहा भी हैसियत कौम, उसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी होना चाहिए। एक मतलब कि एक सिस्टम के तहत जो है ना हम मतलब महंगाई को भी काबू कर सकते हैं, सिस्टम भी चला सकते हैं। अगर ये पोजीशन हो कि बस वक्त गुजर जाए तो फिर तो जाहिर बात है इस तरह चलता रहेगा। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो प्लानिंग है? बस पार्टी के पास माशाल्लाह पहले से भी मतलब है कि अच्छे अच्छे प्लानिंग है और बिल्कुल भी है। लेकिन उसमें मेन चीज़ है जिस तरह अभी आप देखें हमारी पार्टी में माशाल्लाह जिस तरह रजा रबानी है, बहुत सारे हमारे सीनियर हैं, वो खुर्शीद शाह साहब है, नवीद कमर है, तो प्लानिंग हमारे पास है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर आप खुद देखें। राइट सर, सर हमारा एक सेगमेंट है मुफ्त मशवरा। मैं आपको कुछ शख्सियात के नाम बताऊंगी, आपने उन्हें एक एक मुफ्त मशवरा देना है। मैं शुरू करूंगी बिलावल भुट्टो साहब से। बिलावल भुट्टो जो है ना वो काफ़ी मिच्योर हो चुके हैं, लेकिन उसको चारों सूबों पे अपनी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए और उन मतलब उनके साथ मेल मिलाप को थोड़ा मतलब टाइम देना चाहिए। और दूसरी बात है ना कि यूथ में मतलब उनको बोल मोल उस तरह मतलब है कि उनको मिलना चाहिए, और ख़ुद भी जवान है और जवान की आदत है, जवान भी उनको पसंद कर रहे हैं। तो मतलब है उन सिस्टम से निकलना होगा जिस तरह इनके दादा जो थे या इनके वालदा साहब भी जो थी, वो मतलब लोगों से खुल के मिलते थे। तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी जो है ना वो बिलावल की। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इमरान खान साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? इमरान खान को मैं ये मशवरा दूंगा कि बिल्कुल भी पॉपुलर लीडर है, लेकिन इमरान खान बड़े हैं, लेकिन इमरान खान अक्ल इस्तेमाल नहीं कर, पावर भी उसके पास है, पब्लिक पावर स्ट्रीट पावर, लेकिन उसको थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करना चाहिए तो और भी कामयाब। राइट, नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? नवाज शरीफ को ये सारी सीनियर भी है, मैं तो ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ बस अभी रिटायरमेंट का ऐलान करे, और मियाँ शहबाज शरीफ जो है उसके हवाले कर दे, वो मतलब चीज़ों को समझती भी हैं और तकड़ा भी है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? अली अमीन गंडापुर जो है ना जितना मतलब है कि बादल गरजते हैं उधर उतना मतलब है बरसते नहीं है। तो अमीन गंडापुर को मैं ये कहता हूँ कि वो जब मीडिया के सामने आ जाएगा तो ये सुल्तान राही वाला डायलॉग ना छोड़े, काम पे ध्यान दे दे और वफाक के साथ अपने मसले मसाइल चलाए ताकि डिलीवर कर दे। क्योंकि उनका अभी जो पोजीशन है कीपी में, जब तक उनके पास वफाक के फंड्स वगैरह नहीं होंगे ये बिल्कुल नहीं चला सकते। सही सर। जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आपने मुझे सिर्फ एक ऐसे सियासतदान का नाम बताना है, वो कोई भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ सबसे मुखलिस सियासतदान कौन है? सिर्फ एक नाम बताना है आपको। जरदारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके थैंक यू सो कीमती वक्त मच। का। वाकई जी सर, हकीकत है, लेकिन एक चीज़ है ना, जब आपको सही तरीके से मैंने ना मिल जाए ना, यहाँ पे तो गेम जो है ना वो नंबर्स ऑफ गेम है। और हकीकत ये भी है कि अभी कुछ अरसे से सियासत जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में सारे बैठते हैं, तो इस वजह से भी सर आपको क्या लगता है कि ये करंट जो हुकूमत है हाँ कब तक चलेगी? हम नहीं होंगे।
हम दुनिया में नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। थैंक यू सो मच। आप अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।